टीकमगढ़ शहर से महज 7 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध कुंडेश्वर धाम भगवान शंकर के दरबार में सदियों से चला आ रहा मकर संक्रांति का मेला इस बार प्रशासन ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण स्थगित कर दिया है। जहां मकर संक्रांति पर हजारों की संख्या में भक्त श्रद्धा की डुबकी लगाकर भगवान भोलेनाथ पर पवित्र जमुना नदी का जल अभिषेक करते थे और अपने पूरे साल की मंगल कामना करते थे, लेकिन इस बार भक्तों के मन में भगवान भोलेनाथ के दर्शन को लेकर बड़ी निराशा देखने को मिल रही है। यहां सदियों से लगने वाले मेले का क्षेत्रीय लोगों को बड़ा इंतजार रहता था, लेकिन इस बार मेला न लगने से दर्शनार्थियों का मन चिंतित है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। नमस्कार, एक बार और हम ये कुंडेश्वर धाम जो आए हैं, एक जन सज्जन हैं जो उनसे बात करते हैं, वो बताएंगे आपको। जो 73 साल बराबर मेला चल रहा था, कोरोना काल की वजह से ये रोका गया, और यहाँ कैसा नज़ारा रहता था और आज कैसा है, ये चीज़ हम समझते हैं। सर आप शुभ नाम बताएंगे? सच्चिदानंद पारासर बाल प्रभु जी महाराज के नाम से लोग हमको जानते हैं, और यहाँ हम लोग जो है हर संक्रांति को दर्शन करने आते हैं। यहाँ हजारों की लाखों की भीड़ होती है हर बार, लेकिन यहाँ हम पहली बार देख रहे हैं कि यहाँ कोई भीड़ नहीं है, कोई मेला नहीं है। और वर्तमान जो स्थिति चल रही है भारत में, कोरोना संक्रमण का जो खतरा सब जगह चल रहा है, तो हम आज भोलेनाथ से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि जो वर्तमान में संकट की स्थिति चल रही है उसको दूर करें और बाबा की कृपा हो और पुनः यहाँ जैसा मेला होता था, जैसी भीड़ होती थी, श्रद्धालु लोग आते थे, उसी प्रकार यहाँ फिर से वापस जो कहते हैं सबको, बस यही कामना है। और यही संदेश भी देना चाहेंगे सबको कि लोग सावधानी बरतें, कोरोना ज़्यादा फैल रहा है, वर्तमान स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, मेला में जाने लायक नहीं है, इसलिए अपने घर में रह कर के गाइडलाइन का पालन करें। और जब स्थिति नॉर्मल होगी तो हम लोग पुनः जो है मंदिरों में जाएंगे, पूजा करेंगे, मेला में जाएंगे, उसका भी आनंद लेंगे। जय श्री राम। थैंक यू। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक, SW24। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।